शांति। आज की तारीख है 18/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बेहद का बाबा। हम बच्चों को बेहद की गोद में उठा लेते हैं, तो आइए सुनते हैं। गोद में तो बिठाया बाबा ने, पर हम बच्चों को बेहद का कैसा प्यार करते हैं। तो मीठे मीठे बेहद के बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है, उनकी संतान बने हो तो श्री मत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन को अमल में लाना है। प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर है, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है, सबको मीठे घर मुक्ति धाम में वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है, इनको भी इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार के दो गीता के महावाक्य। नंबर एक, ये धर्माऊ युग है, इस समय धर्मात्मा बनना है और सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। नंबर दो, हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, बेहद का बाप टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान मीठे मीठे बाप दादा का। योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब ये भी प्लान करो, जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही न सके, जैसे चारों ओर करंट की तार लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तार लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम की हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।